तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल के अंदर आना, आने के बाद आपको अपने एयरटेल मित्र ऐप एप्लीकेशन के ऊपर टैप करना है। टैप करते के साथ ही यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन शो करेगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो करेगा आर यू एजेंट क्वेश्चन मार्क का, इस वाला ऑप्शन पर टिक करना और यहाँ पर ऊपर में एजेंट का मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो मोबाइल नंबर डालना, नीचे यहाँ पर मोबाइल पासवर्ड डालना और नीचे यहाँ पर आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर टैप करके सबमिट कर लेना। यहाँ पर आपको जो है लॉग इन हो जाएगा मित्र ऐप एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको प्रीपेड डिजिटल एक्टिवेशन वाला ऑप्शन पर टैप करना, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप आएगा, ओके करना इस जगह पर। यहाँ पर KYC कंप्लीट करने के लिए इस जगह पे ओके जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक अगला पेज ओपन होकर आएगा एजेंट वेरिफिकेशन का, इस जगह पे इंटर आधार नंबर या वर्चुअल आईडी नंबर है तो वर्चुअल आईडी नंबर करना। यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए इस बॉक्स वाले ऑप्शन पर टिक करना, नीचे यहाँ पर आपको फेस ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर टैप करना इस जगह पर और यहाँ पर फेस को स्कैन कर लेना। यहाँ पर कैमरा ओपन होने के बाद यहाँ पर फेस स्कैन लेगा, लोडिंग लेगा यहाँ पर आपका फेस, थोड़ा सा वेट करना। यहाँ पर जो है लोडिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन शो करेगा, एजेंट लाइव फोटो यहाँ पर मांगा जाएगा तो प्लस वाले आइकन पर टैप करना, एजेंट का लाइव फोटो लेने के लिए कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड में फोटो को लेना है, यहाँ से जो है कैमरा को रोटेट कर सकते हो आगे पीछे, कैमरा को यहाँ पर प्लग झपका कर फोटो ले लेना, फोटो नहीं सही है तो रीटेक करना, फोटो सही है तो डन वाले ऑप्शन पर टैप करके फोटो को अपलोड कर देना। यहाँ पर एजेंट का नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, एजेंट का शॉप नेम आ जाएगा, नीचे एजेंट का एड्रेस आ जाएगा, शॉप एड्रेस, यहाँ पर अपलोड शॉप एड्रेस वाला प्रूफ के ऑप्शन पर टैप करना। यहाँ पर आपके पास जो एड्रेस प्रूफ है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर स्टोर लाइव फोटो ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट किया हूँ। यहाँ पर नीचे आधार नंबर मांगा जाएगा तो इस जगह पे आधार नंबर डालना है, उसके बाद प्लस वाला आइकन पे टैप करके आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो लेना है सही तरीके से। तो यहाँ पर मैं प्लस वाला आइकन पे टैप करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो ले लेता हूँ सही तरीके से। अगर आपको इस जगह पे लगता है आधार कार्ड का फोटो सही नहीं आया तो रीटैग करना, अगर फोटो सही आया तो डन वाले ऑप्शन पे टैप करके फोटो को अपलोड कर देना। ठीक उसी तरीके से बैक साइड वाले ऑप्शन पे टैप करना, बैक साइड का फोटो लेना आधार कार्ड का और डन वाले ऑप्शन पे टैप करके इसे भी आप अपलोड कर देना। तो आधार का फ्रंट और बैक साइड फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ पर लोकल एड्रेस प्रूफ वाले ऑप्शन पर यहाँ पर सारा फिल करना जो यहाँ पर आधार कार्ड में है, सही तरीके से आपको एड्रेस को इस जगह पे फिल कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं फिल कर दिया हूँ दोस्तों, उसके बाद पेज को ऊपर की स्क्रॉल करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड लोकल एड्रेस प्रूफ वाले ऑप्शन पे टैप करना है इस जगह पे और यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ आधार कार्ड, इस जगह पर भी यहाँ पर ऊपर में ही UID कार्ड आधार कार्ड का ऑप्शन शो करेगा, इस जगह पर टैप करना आधार कार्ड का। इस जगह पर टैप करने के बाद आधार कार्ड का नंबर जो होता है वो यहाँ पर आपको सही तरीके से डालना है, यहाँ पर फ्रंट साइड वाले ऑप्शन पर टैप करके आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो को ले लेना है और डन वाले ऑप्शन पर टैप करके फोटो को अपलोड कर देना है। ठीक उसी तरीके से बैक साइड के ऑप्शन पर टैप करना है और बैक साइड का फोटो लेने के बाद डन वाले ऑप्शन पर टैप करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अपलोड एंटी डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, इस पर टैप करना और यहाँ पर एफिडेविट को सेलेक्ट कर लेना, इस जगह पे एफिडेविट का नंबर डालना है, यहाँ पर जो एफिडेविट का नंबर है डालने के बाद आपको यहाँ पर फ्रंट साइड का ऑप्शन पे टैप करना और यहाँ पर एफिडेविट का फ्रंट साइड का फोटो ले लेना है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपको जो है फोटो लेना है, जैसे कि आपने आधार कार्ड का फोटो लिया था, फोटो सही है तो डन करना और नहीं फोटो सही है तो रीटैग करना। उसके बाद बैक साइड वाले ऑप्शन पर टैप करना और बैक साइड का भी फोटो ले लेना है एफिडेविट का। यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड का फोटो लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपलोड कर देना, उसके बाद यहाँ पर अपलोड पैन कार्ड एफिडेविट का ऑप्शन शो करेगा इस जगह पर, तो यहाँ पर आप टैप करना, यहाँ पर एफिडेविट को ही सेलेक्ट करना है अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे यहाँ पर आपको एफिडेविट का नंबर डालना, एफिडेविट का फ्रंट साइड वाले ऑप्शन पर टैप करके एफिडेविट का फ्रंट और बैक साइड का फोटो अपलोड कर दे। उसके बाद दोस्तों अपलोड GST एफिडेविट को छोड़ देना और नीचे आना, नीचे अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को यहाँ पर सेलेक्ट करना और यहाँ पर जो है आधार कार्ड को सेलेक्ट करना, यहाँ पर आधार कार्ड का जो है नंबर डालना जो ऊपर में है डॉक्यूमेंट नंबर POI नंबर डालना इस जगह पे और उसके बाद आधार कार्ड का फ्रंट साइड वाले ऑप्शन पर टैप करके आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो लेना इस जगह पे, फोटो सही है तो यहाँ पर डन करना, फोटो नहीं सही है तो रीटैग करना, फोटो अपलोड कर लेना। ठीक उसी तरीके से बैक साइड का फोटो लेना आधार कार्ड का और यहाँ पर फ्रंट साइड का फोटो जैसे आपने डन किया था उसी तरीके से डन करके इसे भी अपलोड कर देना अगर सही है फोटो। और यहाँ पर मैंने दोस्तों एक ऑप्शन छोड़ दिया है तो यहाँ पर ये आगे का प्रोसेस नहीं काम कर रहा है, यहाँ पर जो होम लाइव फोटो है वो यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था, तो मैं पेज को नीचे की स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पर लाइव फोटो जो है होम लाइव फोटो वाले ऑप्शन पर टैप करके यहाँ पर होम लाइव फोटो ले लूँगा अपना, यहाँ पर फोटो लेने के बाद डन करूँगा और फोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद पेज को ऊपर स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पर नीचे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए इस जगह पे बॉक्स पे टिक करूँगा और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे इस जगह पे टिक कर दूँगा। जैसे ही यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा मैं तो यहाँ पर जो है देख सकते हो एजेंट वेरीफिकेशन रिक्वेस्ट इज सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप एजेंट वेरीफिकेशन कर सकते हो।